जी अस्सलाम वालेकुम, एंड यू आर वाचिंग मुगल आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स जी? तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बेक चिकन थाई, उसके साथ बहुत ही टेस्टी सी ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास है चिकन थाई और ये स्किन के साथ है। इसके वो हम मैरिनेट करेंगे नमक के साथ, साथ में हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से इसे रब कर देना है। थोड़ा सा आप चाहें तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसे रब कर दीजिएगा। थोड़ा सा विनेगर मैंने ऐड कर दिया या लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। अगेन आपने इसे रब करना है अच्छी तरह से, और दोनों इंग्रेडिएंट जो हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया था वो अच्छे से इस पर आपने रब कर देना है। इसे मैरिनेशन के लिए रखते हैं। तो एक पैन में हमने ले लिया बटर, इसके अंदर चॉप गार्लिक ऐड किया, इसे स्टिर फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने थाई को मैरिनेट किया था इसे आपने इसके अंदर कुक करना है, और आपने इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए कुक करना है। फ्लेम को आपने मीडियम हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर, और ये बिल्कुल जो है वो सोगी नहीं होंगे जब हम इसे करेंगे ओवन में अच्छी तरह से बेक। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्राई होते जाएंगे, और इसे टर्न करते जाइएगा, और आपने फ्लेम का ख्याल रखना है, फ्लेम आपने मीडियम हाई रखना है ताकि इसमें से बहुत ज़्यादा जूसेस इसके रिलीज़ ना हो। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल थाई रेडी हो चुकी है बेक होने के लिए। इसे साइड पर सेट करते हैं, अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए उसी पैन में मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ अनियन, इसे हमने स्टिर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट स्टिर फ्राई करना है जैसे ट्रांसपेरेंट सा होगा। इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर देंगे, साथ में इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं हो तो टमाटो प्यूरे डाल दीजिएगा। मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, हनी ऐड करेंगे, और उसके बाद आपने इसको सीजनिंग भी करनी है। और वर्स्टरशायर सॉस मैंने ऐड कर दिया, आप इसको नमक के साथ और ब्लैक पेपर के साथ सीजनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी सॉसी सी इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया था, साथ में अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट नमक ऐड कर दीजिएगा। फ्रेश पार्सले ऐड कीजिएगा इसके अंदर, उसके बाद ग्रेवी भी रेडी हो गई। अब हम बटर लेंगे पैन में, इसके अंदर हमने डाल दिया है पोटैटोस, और इसे मैंने पील करके यूज़ किया। साथ में आप कैरेट ऐड कर दीजिए या जो भी वेजेस आपको अच्छी लगती हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पीस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे स्टिर फ्राई करना है, जैसे पोटैटो थोड़े सेमी कुक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं लेकिन सेमी कुक हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए ये सेमी फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम लेंगे बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर जो हमने मज़ेदार सी ग्रेवी बनाई थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पोटैटोज जो कि हमें सेमी फ्राई किए थे। उसके बाद आपने इसके ऊपर थाइज इस तरह से रख देनी है, और फिर अच्छी तरह से सेट कर दीजिएगा। और थाइज रखने के बाद आपने इसके ऊपर अगेन ग्रेवी जो है वो पोर कर देनी है, और ग्रेवी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होनी चाहिए क्योंकि अभी इसने बेक भी होना है। बेकिंग के लिए ये रेडी हो गया, ओवन में इसे बेक करेंगे, और बेक करना है आपने इसे 30 मिनट्स के लिए और 180 टेम्परेचर पे। 180 टेम्परेचर पे हमने इसे बेक कर लिया। ये देखिए जिसका लुक कुछ इस तरह से होगा, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ हमने इसे बनाया लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी होता है। डाइट कॉन्शियस लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप इसे राइस के साथ और नान के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, टिल देन अल्लाह ने के बन।